दोस्तों, हमारे चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बाईफलर वाइंडिंग क्या होती है और उसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्या ज़रूरत है इसको बाइंड करने की। तो बाईफलर वाइंडिंग बेसिकली दोस्तों, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में हम एक वायर यूज़ करते हैं, एक वायर लपेटते हैं एक बार में, लेकिन बाईफलर वाइंडिंग में ये दोस्तों इस तरीके से वायर को लपेटते हैं दो एक साथ, और एंड में जो है वो ये इस तरीके से तार बचते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। तो ये दोस्तों, ये हमारे दो वायर हैं, ये दो वायर निकल के आते हैं, और एक ये है, ये भी ऐसा ही है, ये दो वायर निकल के आते हैं। तो अगर हम माने ये हमारा नंबर एक वायर है और ये नंबर दो वायर है, तो उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, हम या तो दो में से एक सरा लेंगे या फिर एक में से एक सरा लेंगे, यानी हम दो में से एक सरा लेते हैं और इसको एक नंबर से दो नंबर ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारा बीच वाला जो सरा है वो ये बन जाता है, दूसरा एक सरा हमारा ये बनता है बचता है, और एक सिरा हमारा ये बचता है जो कि हम मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। उसका ये होता है दोस्तों, जैसे हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम कलेक्टर पे इसको लगाते हैं और इसको हम कलेक्टर पे लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है। तो बाईफिलर का आपको समझ में आ गया होगा कि बाईफिलर कैसे इसका कनेक्शन होते हैं। अब दूसरा दोस्तों, क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब अगर क्या होगा कि हम पहले एक वायर इस वाइंड इस पे बॉबिन पे लपेट दें और फिर दूसरा वायर इस बॉबिन पे लपेट दें, तो क्या होगा कि पहले जो वायर लपेटेंगे उसमें कम वायर लगेगा और जो इसके ऊपर लपेटेंगे उसमें ज़्यादा वायर लगेगा। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि उन वायर जो है उनमें साइज़ में, उसकी लेंथ में अंतर आएगा, उससे वायरों की वायर की रेजिस्टेंस में अंतर आएगा, दूसरा उनकी इंडक्टेंस में अंतर आएगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है या हम इस वहाँ मॉस्फेट लगाएं तो इनकी स्विचिंग टाइम में अंतर आएगा, वो बहुत माइनर होगा, तो इनकी स्विचिंग टाइम में अंतर आएगा। इससे क्या होगा, सर्किट जो है उसकी स्टेबिलिटी में अंतर आएगा, कमी आएगी, और एक मॉस्फेट या एक ट्रांजिस्टर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, एक पे कम पड़ेगा। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है ये थोड़ा गड़बड़ा जाएगी। सेकेंडरी में जो हमें आउटपुट मिलेगी वो थोड़ा इतनी स्मूथ नहीं होगी जितनी प्राइमरी में हमें इनपुट यहाँ सिग्नल दिया जाएगा, उतनी इनपुट नहीं होगी, उतनी बेटर नहीं होगी, उतनी स्मूथ नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, हम एम्पलीफायर आउटपुट ट्रांसफार्मर, ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर में इस बाईफिलर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो या कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरा जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।